आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वेक्टर एंड राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर, सो जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर विथ हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी और सम कैन से अनडिफाइंड। कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी, लाइक वी हैव ऑल दिस इनफाइनाइट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आई कि इसको बोलते क्यों जीरो वेक्टर, लाइक क्यों, इनकी नीड क्या है, तो वो समझ लेते हैं कि क्यों है। लेट सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन हमने दे रखा है, लेट से अगर हम कार्टेशियन पे इसको देख रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में है। नाउ हमारे पास अगर एक और वेक्टर है निगेटिव ऑफ ए, तो उसका क्या होगा, वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए ऐसा कुछ होगा। लेट्स सपोज हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। बट दो वेक्टर्स का कभी भी सम जो होता है वो एक स्केलर नहीं हो सकता है, तो इट शुड बी अ वेक्टर, तो ये हमारा जीरो वेक्टर, क्लियर, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, ओके। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर क्या क्या होती हैं, उस पर एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ओके, सो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है, इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द वेक्टर, इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल वेक्टर वी। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर वी है, उसमें हम अगर कोई सा भी, लाइक एनीथिंग, एनी वेक्टर, उसमें हम जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, वी। तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट नंबर टू। तो पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, इट इज फिक्स्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझ लेते हैं। हमारे पास जैसे हम वेक्टर, किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइक अगर कोई ए वेक्टर रहता है तो हम इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, 2a, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सेम अगर हम जीरो वेक्टर के साथ करें कोई स्केलर, लाइक से एक्स इज एनी स्केलर और हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वेक्टर से, तो ये चेंज नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी है जीरो वेक्टर की कि इट इज़ फिक्स्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके, दिस इज स्केलर, ओके, कन्फ्यूज मत करना आप। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन वेक्टर स्पेस जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी अदर वेक्टर। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर हम किसी दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं। अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, इट मींस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, क्लियर। तो हम किसी भी जनरल वेक्टर वी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जीरो के साथ तो ये जीरो ही आएगा। तो जीरो इज ऑर्थोगोनल, जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू दिस वी,
एनी अदर वेक्टर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।